वो अंधेरे में बिन उजाले रोशन है, पानी पीते समय उनके होंठ चमकते हैं, उनके गालों पर हाथ रखने पर सल भी नहीं पड़ती, उनकी गर्दन की हलचल बहुत खुश है, जब ऑटो को पीछे की ओर खींचें तो सवालों का कोई जवाब नहीं, वो अगर पीठ टिका दें तो मानो दुनिया में आराम है, उनके शरीर के हलचलें जैसे तूफान की शुरुआत, उनकी सांसें उनकी बनावट को छुपा रही हैं, उनके बाल उनकी मानसिकता को आसानी से दर्शा रहे हैं, उनके कोमल हाथ बालों पर जाते हैं, सारी उलझनें सुलझ जाती हैं, उनकी नाक में लगी लौंग अब सोने से हीरे में बदल चुकी है, उनकी साफ नाखून जब दांतों की हल्की दरारों से निकलना नहीं चाहते हों, उनके हाथों से मेहंदी उनकी इजाज़त के बिना ना उतरे, वो कितनी कठोर होगी, वो एक साफ आत्मा होगी, वो स्वर्ग के फूलों की तरह किसी का भी मन विचलित कर दें, मेरे नाटक की वो एक बंगाली दर्शक, वो जब किसी के कानों के करीब होंठ लाकर धीमे स्वर छेड़ रही हो तो पूरा शरीर कंपन करने लगे, वो जब किसी के कानों के करीब होंठ लाकर धीमे स्वर छेड़ रही हो तो पूरा शरीर कंपन करने लगे, उसके माथे पर बड़ी सी बिंदी में छुपे हों पृथ्वी के सारे राज, जब सुर्ख लाल चूड़ियां उनकी कलाई की गोलाई को और उभार दें, उनके पैरों की उंगलियां साफ एक के बाद एक जमी हुई हों, उनकी गोल आंखें किसी काजल की डिब्बी में रखी हों, वो कितनी कठोर होंगी, वो एक साफ आत्मा होगी, वो स्वर्ग के फूलों की तरह किसी का भी मन विचलित कर दे, मेरे नाटक की वो एक बंगाली दर्शक।